हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर नव भारती फैमिली। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। मैं प्रिया शर्मा, आपकी केमिस्ट्री की टीचर, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको 11th का जो चैप्टर फर्स्ट हम लोगों का चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब मैंने आपको बताया था परसेंटेज कंपोजिशन, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे इम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। क्या होता है इम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला? तो देखिए, सबसे पहले मैं पिकअप करती हूँ इम्पिरिकल फॉर्मूला को, कि इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे एंड आफ्टर देन वी विल टॉक अबाउट एग्जाम्पल, ठीक है? तो देखिए, इम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। देखिए, ये हो गई आपकी जो एक फॉर्मल डेफिनेशन होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला की, वो। अब इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है ये? इसका सिंपलेस्ट का मतलब ये है कि जिस भी कंपाउंड, सपोज करिए आपके पास कोई भी कंपाउंड है, देखिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, सपोज करिए आपके पास कोई एक कंपाउंड है लाइक C2H4Cl2, ठीक है? हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H4 and Cl2, ठीक है? अब क्या कहता है ये इम्पिरिकल फॉर्मूला, किस चीज को इम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं हम, कि आप देखिए जो कार्बन है इस, ये कितने कितना अमाउंट है इसका, दो कार्बन है। हाइड्रोजन का कितने नंबर है, हाइड्रोजन के 4। क्लोरीन का कितना नंबर है यहाँ पर, 2। बात आई समझ में? अब अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालू, तो रेशियो आप सबको पता है कैसे निकलता है, कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में किस रेशियो में है, कैसे निकलेगा कि ये सारे तीनों के तीनों जो नंबर है ये दो से जो है कटते हैं, दो से कैंसिल आउट होते हैं। तो क्या लिख सकती हूं मैं, 2 1 2 2 2 4 एंड 2 1 2। तो यहां पर रेशियो क्या निकल के आता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का क्या रेशियो निकल के आता है, सिंपलेस्ट होल रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट होल रेशियो बोलते हैं, कि इससे कम तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। कट रहे हैं कि आगे नहीं कट रहे ना, तो इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए 1:2:1 में ये आ गए हैं, और इसको अगर मैं इस रेशियो में लिखूं तो क्या, कैसे लिखूंगी, CH2Cl, यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1, ये मैं लिख रही हूं। तो मैंने इस मॉलिक्यूलर, ये बेसिकली क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है? तो इस फॉर्मूले से मैंने डायरेक्ट ये चीज लिखी, कैसे लिखी, इसको एकदम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मैंने कन्वर्ट किया। आफ्टर देन वी कैन राइट दिस ना, दिस वी कैन राइट। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस चीज को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। और डेफिनेशन भी क्या कह रही थी, यही कह रही थी कि डेफिनेशन बोल रही थी कि जो कंपाउंड होता है ना, यानी कि ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं, जो ये एटम्स है, यानी कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, क्लोरीन का एटम, ये एटम जो है, अगर इन एटम की जो नंबर है हम उन्हें किसमें कन्वर्ट कर लें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। हमने क्या किया है कि इस पूरे कंपाउंड का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लिया, हमने ये पता लगा लिया कि कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में इस रेशियो में है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यही है। और इसमें जब हम ये लिखेंगे ना कार्बन, इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, इसके बाद जब हम लिखेंगे ना कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है, ये हमने इसके रेशियो के अकॉर्डिंग लिखा है, ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, रेशियो के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है ना, ये हमने लिखा है रेशियो के अकॉर्डिंग। और इसी चीज को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला में आपको कभी भी है ना कि किसी कंपाउंड में कितने पर्टिकुलर नंबर है उस एलिमेंट के या एटम के, आपको कभी पता नहीं चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब क्या आप इसको देख के बता सकते हो एग्जैक्ट कि भाई कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है या क्लोरीन कितना है? नहीं बता सकते, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको सिर्फ इतना बताएगा कि कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में किस रेशियो में है। आपको ये बताएगा कि कार्बन 1:1 और हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1, ये आपस में 1:2:1 में है। ये सिर्फ रेशियो के बारे में बताएगा आपको, क्योंकि ये रिप्रेजेंट ही रेशियो को करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को ही ये रिप्रेजेंट करता है। फिर आपको एग्जैक्ट चीज कौन बताएगा, आपको एग्जैक्ट चीज बताएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यही अंतर है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमेशा आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा,
जितने भी एटम प्रेजेंट है कंपाउंड में, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा। देखिए ये इसका क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ये एग्जैक्ट बता देगा कि भाई कार्बन दो है, हाइड्रोजन चार है और क्लोरीन दो है। तो यही अंतर है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ठीक है। तो आई होप आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं कि सपोज टू बी अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि वेरियस कोई कंपाउंड दे दिया, उसके जितने भी एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उसके आपको परसेंटेज दे दिए, और फिर आपको कहा कि भाई अब निकालो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, निकालो कैसे निकालते हो, या फिर आपको कुछ और वैल्यूज दे के आपको कहा गया कि निकालो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो फिर कैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि 11th क्लास में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन तो उठ के आ ही जाएगा, है ना। तो चलिए हम इसके बारे में एक क्वेश्चन करते हैं, पिक करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा एक चीज और, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इस टाइप के, तो इन सारे क्वेश्चन का एक ही पैटर्न होगा, कुछ स्टेप्स होंगे, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए ना तो इसका एक ही पैटर्न फिक्स है। तो मैं आपको सारे स्टेप्स भी साथ में लिखवाऊंगी और वो स्टेप्स आपको दिमाग में ढाल लेने हैं, क्योंकि ये स्टेप फिक्स है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला से सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है और उसके भी स्टेप्स फिक्स होते हैं, है ना। तो सारे स्टेप्स भी मैं आपको लिखवाऊंगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन एंड इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो हमें सारे जो एलिमेंट थे किसी भी कंपाउंड के, सारे एलिमेंट्स के परसेंटेज हमें गिवन है, फिर वो जो कंपाउंड है उसका मोलर मास हमें गिवन है। तो अब हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सॉल्यूशन में है, मैं इसको दो तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हूं ताकि आप आराम से समझ पाए, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने भी ये परसेंटेज है ना, जो ये परसेंटेज है, अब पहले तो आप ये देख लो कि यहाँ पर एक पार्ट में और कर रही हूँ, पहले आप ये देख लो कि कौन सा, लिख लो आप साइड में कि कौन सा एलिमेंट जो है उसका कितना परसेंट आपको अवेलेबल है। देखिए पहले तो देखो इसमें टोटल कितने है, मतलब है कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन है 24.27%, क्लोरीन का कितना है यहाँ पर 71.65%, ठीक है ना। तो ये टोटल इसके परसेंट दे दिए, हमारा पहला काम क्या है, इन जितने भी परसेंट है इनको ग्राम में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इन ग्राम, हमें इन सबकी वैल्यू किस में लिखनी है, ग्राम में लिखना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जिस तरीके से जो कंपाउंड है उसका टोटल परसेंटेज 100 होता है ना, टोटल परसेंट 100 होता है, क्योंकि आपको पता है आप इसको जब टोटल करोगे ना कि हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है या कार्बन का कितना परसेंटेज है या फिर क्लोरीन का कितना परसेंट है, आप इस सारे परसेंट को जब टोटल करोगे ना तो ये 100 आएगा, ये क्या आएगा 100 आएगा, है ना। तो इसी हिसाब से कंपाउंड जो होता है उसका परसेंटेज टोटल 100 ही होता है ना। तो हम क्या मानते हैं कि जो ग्राम में हम लेंगे, तो हम इसको अज्यूम कर रहे हैं, वी अज्यूम हमने किया है क्या 100 ग्राम, ठीक है, अज्यूम हमने कर लिया 100 ग्राम, ठीक है। जैसे कि इसने, मैं वापस बता रही हूँ, इसने क्या किया था ना कि अज्यूम कर लिया कि परसेंटेज टोटल 100 है, उसमें से कुछ परसेंट हाइड्रोजन को दिया, कुछ परसेंट कार्बन को दिया और कुछ परसेंट इसने क्लोरीन को दिया, टोटल क्या आया 100%, आप इसको कर सकते हो काउंट, है ना। वैसे ही मैंने अज्यूम कर लिया कि ग्राम में भी मैंने क्या माना 100 ग्राम है, इससे क्या हमारी वैल्यू इजी हो जाएगी, कैसे, 100 ग्राम में इसका परसेंट कितना होगा, इतना का इतना ही हो जाएगा 4.07 ग्राम। समझ में आई मैंने क्यों लिया 100 ग्राम, इसकी जगह मैं 200 ग्राम भी ले सकती थी, मैं 300 भी ले सकती थी, मैं 50 भी ले सकती थी, पर उससे क्या होता ना कि हमारी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो इसको इजी करने के लिए अब 100 ग्राम में से अगर मैं ये परसेंटेज निकालूंगी तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो इजी रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कार्बन को कन्वर्ट करूंगी तो ये भी एज इट इज आ जाएगा 24.7 ग्राम, है ना, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है 100 ग्राम टोटल, है ना। और क्लोरीन का कितना रह जाएगा 71.65 ग्राम, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इन ग्राम्स, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये क्लोरीन जो ये ग्राम्स में है ना, इनके आपको नंबर ऑफ
मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट या कन्वर्ट नहीं, मैं इसको बोलूंगी इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स में आपको इसको लिखना है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है इन सबकी, ठीक है। मैं यहां पर लिख देती हूँ, जैसे कि आपको हाइड्रोजन का निकालना है ना, तो हाइड्रोजन की एन की वैल्यू, ठीक है। कार्बन का निकालना है तो कार्बन की एन की वैल्यू, क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन की एन की वैल्यू। ये एन किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। इज इक्वल टू निकाले। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है बताइए, कैसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स निकलता है गिवन वेट, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देती हूँ वापिस से जिनको नहीं पता, क्या होता है नंबर ऑफ गिवन वेट या गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर इसको एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हो। गिवन मास अपॉन मोलर मास भी आप इसको लिख सकते हो। तो अगर कोई एक एटम है तो उसका एटॉमिक मास भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए हाइड्रोजन का गिवन मास क्या है, ये गिवन वेट क्या है? 4.07 ग्राम गिवन वेट है, लिख दिया ऊपर 4.07 ग्राम, इसको लिख भी सकते हो बाद में तो हट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, मैं बोलूं मोलर मास भी बोल सकते हो, बट एटॉमिक मास क्या होता है? एटम है तो एटॉमिक मास क्या होगा आपको पता है, 1.008 ग्राम होता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है। ये आपकी आ गई, अब हम निकाल लेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4.04, क्या आएगा 4.04। अब हम निकालते हैं कार्बन का, देखिए कार्बन का गिवन क्या है, 24.27 ग्राम अपॉन में क्या है इसका एटॉमिक मास क्या होगा कार्बन का, 12.01 ग्राम, पता है ना ये चीज ऑलरेडी, ठीक है। आप इसको अप्रोक्स में ना 12 भी ले सकते हो, जब मुझे पता है कि देखिए आप प्रैक्टिकली क्या होगा ना कि आप 1.008 जो है आप नहीं याद रख पाओगे, तो इसको 1 भी लिख सकते हो और आप इसको 12 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये याद रहे तो इट्स वेरी बेस्ट, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सा मैं इसको साइड में रखाती हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। 4.04 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.021। अब बात करें अगर क्लोरीन की, देखिए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने हैं, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने हैं, अब क्लोरीन का देख लेते हैं कितने हैं। क्लोरीन का गिवन मास कितना है, 71.65 ग्राम अपॉन क्या होता है क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है, 35.453 ग्राम्स, ठीक है। वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी 2.021, ठीक है। सेम वैल्यू निकल के आएगी 2.021। अब सारी वैल्यूज आ गया, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिए, अब हमें क्या देखना है, हमेशा ध्यान रखना। अब आप क्या करोगे, आपके पास ये तीन वैल्यू आई है, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए, एक तो ये निकल के आया, एक ये और एक ये। अब इन तीनों में से आपको ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स किसका है, सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स किसका है। तो देखिए सबसे छोटे की बात करूं, सबसे बड़ा तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल निकल के आ रहा है और कार्बन और क्लोरीन के तो इक्वल है, तो आप कोई भी पिक कर लो। लेकिन आपको क्या देखना होता है ना कि इस जो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं तीनों एलिमेंट्स में से सबसे कम नंबर ऑफ मोल किसके हैं, उस नंबर ऑफ मोल्स से बाकी सारों को डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है यहाँ पर, थर्ड स्टेप क्या होता है कि मैं लिख रही हूं यहाँ पर, डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4.04 ये नंबर ऑफ मोल है, ये इसके नंबर ऑफ मोल लिख लिया मैंने, यहाँ पर 2.021 इसके नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पर भी 2.021 इसके नंबर ऑफ मोल्स है। इन तीनों में से जिसके भी सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस नंबर ऑफ मोल को इन नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है। जैसे कि ये नंबर ऑफ मोल था सबसे कम, कोई सा भी इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं 2.021, 2.021 इधर, 2.021 इधर भी, 2.021। बात समझ में आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो निकल के आएगी यहाँ पर 1, सॉरी इधर निकल के आएगी 2, अप्रोक्स 2 आएगा, इधर निकल के आएगा 1, इधर निकल के आएगा 1, क्या निकल के आया 2.11 हमारा निकल के आ गया। अब जो ये 2.11 है ना, ये निकल के आया है रेशियो, ये क्या निकल के आया है रेशियो, हमारा निकल के आया है 2.11। हाइड्रोजन कितना निकल के आया है यहां पर, 2 निकल के आ गया, ये
कार्बन कितना निकल के आया है यहाँ पर, वन निकल के आ गया, और क्लोरीन कितना निकल के आया है यहाँ पर, वन, ये निकल के आ गया रेशियो। बात समझ में आई, ये रेशियो निकल के आ गया। आपने जाने अनजाने आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, और आपका एक जो पॉइंट बोला था इसने कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, वो आपका निकल चुका है। इसको कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, CH2Cl ऐसे लिखोगे, CH2Cl, ये आपका क्या निकल चुका है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन एक था, क्लोरीन एक था, हाइड्रोजन दो था, ये प्रोसेस था एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का। अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा, कार्बन हाइड्रोजन CH2Cl, ये हमारा निकल के आया एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको ढंग से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया, है ना। अब आपको निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमेशा ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एक एन फैक्टर निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं एन फैक्टर, हमें निकालना होता है एन फैक्टर, प्रोसेस ध्यान रखना। अब ये एन फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है एन फैक्टर, एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड का मोलर मास जो कि आपको गिवन है, अपॉन मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड आपको गिवन है 98.96, और मोलर मास ऑफ किसका, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका जो बना है ना, उसका मोलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो आप इसको, निकालो कैसे निकलेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं एम्पिरिकल फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर मास से, तो यहां पर कार्बन कैसे निकालेंगे हम देखना है, इसका कैसे निकलेगा, इसका जो मास है वो कैसे निकलेगा, कार्बन कितना है यहां पर, एक कार्बन एक है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12.01। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हो ना वैसे निकलता है, बस यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला में जितने यहाँ पर इसके एटम्स होंगे उसको काउंट करना है। तो प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 1.008, ठीक है। प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन एक ही है, कितना होता है इसका एटॉमिक मास, 35.453, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो क्या आएगी वैल्यू, 49.48 ग्राम हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकल के आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या था एन फैक्टर का, दोबारा लिख रही हूं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये हमारा जो है एन फैक्टर था, ठीक है। अब मैं अगर इस पर वैल्यू रखूं, यहां पर मैं वैल्यू पुट अप कर रही हूं, मोलर मास कितना है कंपाउंड का, 98.96 ग्राम में है, अपॉन हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या है, 49.48, ठीक है, ग्राम्स। क्या वैल्यू निकल के आएगी, इसे काटेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 2, मतलब जो हमारा एन फैक्टर आया ना वो कितना आया, 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है एन फैक्टर, एन फैक्टर निकल गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है आपको, जो ये एन फैक्टर ना, इस एन फैक्टर से, यानी जो आपका एन फैक्टर निकल के आया है, ये एन फैक्टर, इस एन फैक्टर से जो ये आपके पूरा फॉर्मूला है ना एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके जो नंबर है इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, वो आया है 2, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। एन फैक्टर हमने निकाल लिया 2, एन फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, तो कितना है एन फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई करना है किससे, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, क्या था एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH2Cl। मल्टीप्लाई करने से क्या मतलब है, कि जो इसकी जो रेशियो है ना, 1:1
2:1 इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आपको इससे मल्टीप्लाई करने का जस्ट मतलब यह है कि जो कार्बन कितने नंबर है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 1, तो इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आएगा इससे मल्टीप्लाई करने पे, क्या आएगा 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, ये निकल के आएगा 2:4:2 निकल के आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इसको जस्ट सी कार्बन कितना निकल के आया 2, हाइड्रोजन कितना निकल के आया 4, क्लोरीन कितना निकल के आया 2, जस्ट आप इसको इसमें लिख लोगे, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें आप एग्जैक्ट नंबर लिखते हो। कुछ नहीं करना, एन फैक्टर को उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया आपने। अब इसको कितने कार्बन थे 2, कितने हाइड्रोजन है 4, कितने क्लोरीन है 2, इसमें आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। एक टोटल आपको मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया है। आई होप आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।